हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन जनाब राहुल गांधी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के बाद अगले दौर के लिए प्रचार जोरों पर है। राहुल गांधी कल पहली बार पुंछ के सुरनकोट विधानसभा पहुंचे, जहां इस बार चुनावी टक्कर काफी कांटे की मानी जा रही है। इस सीट से शाहनवाज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी ने मुश्ताक बुखारी को मैदान में उतारा है। सुरनकोट में राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए कांग्रेस प्रत्याशी शाहनवाज चौधरी का पूरा भाषण। मैं शाहनवाज जी को आमंत्रित करता हूं, वो आके अपनी बात जल्दी से शुरू करें। मेरी गुजारिश है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की दस्तारबंदी की जाए। वहीद हुसैन शाह साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट और रशीद कसाना साहब और आरम मनाज साहब तीनों जो है वो राहुल गांधी जी की दस्तारबंदी करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो है ताजपोशी वो डॉक्टर मुमताज शाह साहब और मुमताज बजाड़ साहब और बशीर कुरैशी साहब भारत सिंह सोलंकी साहब की करें हाजी आरफ शाह साहब और खुशदेव वर्मा जी। भारत सिंह सोलंकी जी को हाजी आरफ शाह साहब और केडी वर्मा साहब हाजी आरफ शाह साहब और केडी वर्मा साहब आज सुरनकोट के लिए यह तारीखी दिन है, यह खुशियों का पल है। इस खुशियों के लम्हे का हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मुल्क के करोड़ों दिलों की धड़कन, इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क में जिसने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, जो मोहब्बत के मसीहा है, हमारे और आपके दिलों में बसने वाले नेता श्री राहुल गांधी जी आज सुरनकोट में तशरीफ लाए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राहुल जी के लिए यही कहना चाहता हूं कि उठी चारों तरफ से जबके जुल्म और जबर की आंधी, कि उठी चारों तरफ जबके जुल्म और जबर की आंधी, पयाम अमन लेकर आ गए रोहे जमान राहुल गांधी। आप सब लोग आज इस घास कटाई के वक्त में हजारों की तादाद में आप यहां पे आए सपोर्ट करने के लिए, मेरे नेता राहुल जी को सुनने आए, फारूक अब्दुल्ला साहब को सुनने आए। आप सब पे मैं कुर्बान जाऊं, मेरी जिंदगी आपके खिदमत के लिए निशावर है। हमारे बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के सदर है और बड़ी शख्सियत है जम्मू कश्मीर की, उनका स्वागत करते हैं। भारत सिंह सोलंकी साहब जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, मनोज यादव जी और सारे सीनियर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के नेता जो हैं, उन सब का स्वागत है। आज ये जो इलेक्शन है, यह हक और बातिल की लड़ाई है, जुल्म और मजलूम की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी है जो फिरका प्रस्ताव इस मुल्क को बांटना चाहती है, हमारे खिता पीर पंजाल को बांटना चाहती है, गुजर पहाड़ी को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है। एक तरफ कांग्रेस जहां मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज राहुल जी आए हैं, एक तरफ सबको जोड़ने के लिए आए हैं। मैं बताता चलूं राहुल जी ये जो खिता पीर पंजाल है, सुरनकोट है, यहाँ के लोगों की शराफत, यहाँ के लोगों का किरदार, यहाँ के लोगों की कुर्बानियां देश के लिए है, मगर ये नजरअंदाज हुए हैं ये लोग। ये इलाका तरक्की में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे है। जब हमारी सरकार आए तो तब इस खिता का हमें खास ध्यान रखना है, यहाँ की तरक्की करनी है, यहाँ के सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, टूरिज्म के नक्शे पे इस इलाके को लाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मुख्तसर आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह 25 तारीख को जब आप जिता के ये सीट भेजेंगे, सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की आएगी, हम इस इलाके के लिए
तरक्की का काम करेंगे, दरवाजे खोलेंगे तरक्की के, और आपकी आपकी खिदमत के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, क्योंकि आपको आज हमारे नेता मेरे नेता। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हूं। राहुल जी, आपने इस इलाके के एक नौजवान बच्चे को, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, सियासी बैकग्राउंड नहीं थी, उसको आपने इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी दी। हम वादा करते हैं सुरनकोट के लोग कि हम आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्वागत के लिए स्वागत करेंगे हमारे हमारे हर दिल। सबसे पहले राहुल गांधी साहब को जो है वो दस्तार बंदी करवाई जाएगी। हमारे हर दिल अजीज, ये देश के लोकप्रिय नेता राहुल जी आप सबके बीच पधार चुके हैं। मैं बताऊं, मैं बोलूंगा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।